चर्चाशील कवियों को मेरा प्रणाम, और आप जो सुधी श्रोता यहाँ पर विराजमान हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। आप जी बंधुओं, ये कार्यक्रम पुलवामा के शहीदों के नाम है। आज प्रेम का भी दिवस है, मैं प्रेम की नगरी से आया हूँ, और बहुत अच्छा कार्यपाठ भाई विनोद पांडे जी कर रहे थे, आप लोग बहुत पसंद हो रहे थे। जितने लोगों ने कार्यपाठ किया बहुत अच्छा किया, और आगे भी हमें आदरणीय रामेंद्र त्रिपाठी जी को सुनना है, तो मैं उन शहीदों के नाम को छत्री पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ, फिर एक आध आपको गीत सुना दूंगा। लोग उठने लगे हैं, जाने लगे हैं, उनका जाने का समय हो गया है। मैं चार पंक्तियाँ कहता हूँ, आप बैठे हुए हैं, सुनिएगा चार पंक्तियाँ। ये भारत की तबाही के स्वप्न देखने वालों, ये भारत की तबाही के स्वप्न देखने वालों, गंगो जमन की शान को संकोचने वालों, ये भारत की आन वान शान जिंदा रहेगी, ये भारत की आन वान शान जिंदा रहेगी। ये हो जाओगे बर्बाद वतन बेचने वालों, हो जाओगे बर्बाद वतन बेचने वालों, हो जाओगे बर्बाद वतन बेचने वालों। और मित्रों, मेरा मानना है कि आज़ादी बहुत दिनों बाद हमको मिली, सैकड़ों वर्षों बाद आज़ादी मिली। उसका कारण यही था कि देश प्रेमी बहुत कम थे। आज भी मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग ऐसे समाज में हैं जो देश प्रेम नहीं करते हैं। चार पंक्तियां मैं कहना चाहता हूँ, सुनिएगा। ये अब देश प्रेमियों को जोड़ना ही पड़ेगा, अब देश प्रेमियों को जोड़ना ही पड़ेगा, अफजल के उठे सर को फोड़ना ही पड़ेगा, अफजल के उठे सर को फोड़ना ही कर पड़ेगा। तो कब तक सहन करोगे ओ सहस्र देवता, कब तक सहन करोगे ओ सहस्र देवता, दिल्ली के तख्त मौन तोड़ना ही पड़ेगा, दिल्ली के तख्त मौन तोड़ना ही पड़ेगा। और मैं उन जाबाजों को याद करता हूँ, और यहाँ की सियासत को याद करता हूँ, और ये चार पंक्तियाँ कहता हूँ, सुनिएगा। बहुत बहुत आभार। हमारे क्रांति जी का डिपार्टमेंट है ये जो मैं पढ़ रहा हूँ। मैं तो केवल आज इसलिए श्रद्धांजलि दे रहा हूँ उन पुलवामा के शहीदों के नाम, तो ये चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। आरणी सुनिएगा कि जाबाज को तो जान की परवाह नहीं है, ये जाबाज को तो जान की परवाह नहीं है, हों गोलियों के जख्म मगर आह नहीं है, हों गोलियों के जख्म मगर आह नहीं है। अरे है दाह एक ही यहाँ कतार बहुत है दाह एक ही यहाँ कतार बहुत है। अरे खुद गर्ज सियासत में बची चाह नहीं है, खुद गर्ज सियासत में बची चाह नहीं है। और हमारा पड़ोसी हमको बहुत चुनौती देता है, तो मैं चार पंक्तियां कहता हूँ, भैया सुनिएगा। हमारे क्रांति जी बहुत बड़े कवि हैं वीरस के, मैं चार पंक्तियां कहता हूँ आपके सामने, सुनिएगा ये पंक्तियां। स्वागत है।
ये जो भी है चुनौती उसे स्वीकार करेंगे। अभी आपने दो देशों की चुनौती हमने स्वीकार कर ली। ये जो भी है चुनौती उसे स्वीकार करेंगे, जो भी है चुनौती उसे स्वीकार करेंगे। और हम कह चुके न पहले कभी बार करेंगे, हम कह चुके न पहले कभी वार करेंगे। और ये पंक्तियां समझिएगा, ये गलती से भी करोगे यदि प्रहार है तुम्हें, गलती से भी करोगे यदि प्रहार है तुम्हें, अरे देंगे मिटा वजूद शर्मसार करेंगे, देंगे मिटा वजूद शर्मसार करेंगे। और ये पुलवामा पहली बार नहीं हुआ, बार बार ये हुआ है। तब कभी की ओर से चार पंक्तियां आती हैं, हमारी बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं, बहुत अच्छा कब से मिलन सुन रही हैं और बड़ा उत्साह वर्धन कर रही हैं। तो इनके लिए मैं एक बार चाहता हूँ तालियां बजा दें, इतनी जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। और क्या चार पंक्तियां सुनो, घोंपा है छोरा पीठ नई बात नहीं है, घोंपा है छोरा पीठ नई बात नहीं है, और पहले भी हुई घात नई घात नहीं है, पहले भी हुई घात नई घात नहीं है। और मैंने कुछ अच्छी पंक्तियां कह दी हो तो आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, पंक्तियां सुनेगा कि पहले भी हुई घात नई घात नहीं है, अरे दुश्मन की तरह भी तुझे लड़ना नहीं आता, दुश्मन की तरह भी तुझे लड़ना नहीं आता, अरे दुश्मन की तरह भी तुझे लड़ना नहीं आता, अरे तू सामने से आ भिड़े औकात नहीं है, तू सामने से आ भिड़े औकात नहीं। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। और ये पुलवामा के शहीदों के नाम चार पंक्तियां और सुन लीजिए, उसके बाद मैं एक गीत पढ़ूंगा, सुनिएगा। कि जितने हैं संग साथ सभी छूट जाएंगे, इशारा सुनिएगा, कि जितने हैं संग साथ सभी छूट जाएंगे, और सुधरे न हाथ पांव सभी टूट जाएंगे, हाथ पांव सभी टूट जाएंगे, सुधरे न हाथ पांव सभी टूट जाएंगे, तो मत रहना भरोसे उधार की है फुलझड़ी। वो कहता है मेरे पास पाव पाव के जो बम है, आठ पाव के बम है और ये है और वो है, तो मैं कहता हूं हिंदुस्तान क्या कहता है सुनिएगा, ये मत रहना भरोसे उधार की है फुलझड़ी, और जिस दिन भी होगी जंग खुदा रूठ जाएंगे, जिस दिन भी होगी जंग खुदा रूठ जाएंगे, जिस दिन भी होगी जंग खुदा रूठ जाएंगे। और मैं अब एक गीत सुनाता हूँ, लोग हमारे दादा रामेंद्र त्रिपाठी जी यहाँ पर हों और वहाँ उनको समय मिलना चाहिए, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। और ब्रजभाषा में एक गीत आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ब्रजभाषा हमारी भाषा है और उस भाषा में मेरा रंग देखिएगा, आपको अच्छा लगे तो आप मुझे आशीर्वाद दें, सुनिएगा। सुनिए, बहुत पहले मैंने महंगाई पर गीत लिखा था, लेकिन मुझे एक और गीत लिखना पड़ा आज की परिस्थिति में, आप सुनिएगा आपको अच्छा लगेगा। अदरिया थोड़ी देर और बैठ लीजिए, बस मैं ये गीत सुनाता हूँ, सुनिए। जब ते आई है महंगाई द्वारे द्वारे सजना, जब ते
आई है महंगाई द्वारे द्वारे सजना। अरे कब थे देखे ना घूंगा कौन है नजारे सजना। जब से आई है महंगाई द्वारे द्वारे सजना। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये पंक्तियां सुनेगा, हे पांचाना की पाव जलेबी बैठ सड़क ना खाई। आनंद लीजिएगा, ये पांचाना की पाव जलेबी बैठ सड़क ना खाई। और मथुरा वृंदावन की जाने कब ते मिली मिठाई। अरे मथुरा वृंदावन की जाने कब ते मिली मिठाई। तो रबड़ी के दोना रबड़ी खा बहनों जब तक जाता नहीं जाए तो मजा ही नहीं आता। क्यों ये देखो, ये बड़े एक्सपीरियंस से होता बैठे हुए हैं, ये सबसे ज्यादा तालियां बजा रहे। ये रबड़ी के दोना ना चाटे और ना ही मिले रसगुल्ला। अरे पानी पूरी के दर्शन ना, अरे ना ही कुरकुरे भल्ला। अरे खाए गए, अरे खाए गए श्री गणेश पधारे ना हमारे अंगना। जब ते आई है महंगाई द्वारे द्वारे अंगना। जब ते आई है महंगाई द्वारे द्वारे सजना। और आज जब दावत होती है तो हम यहाँ से वहां तक देखते हो कितनी मिठाई होती है, जने क्या क्या होता है। लेकिन जो पथेना की मिठाई उसका आज तक कोई तोड़ नहीं है। अब ये पंक्तियां सुनिए, पच फैना की मिली न दावत, पच फैना की मिली न दावत दधि भूरे पौधों ना। अरे पच फैना की मिली न दावत दधि भूरे पौधों ना। ओ गन्ना कोरस पियो न कब ते, गन्ना कोरस पियो न कब ते, कब ते माल पुओ ना। अरे गन्ना कोरस पियो न कब ते माल पुओ ना। तो आसमान में तार चढ़ गई, अरे 200 रुक गई थी, अरे आसमान में तार चढ़ गई और मिले न सिके पकौड़ा। अरे दारी का महंगाई ने कस कस के दए हथौड़ा। अरे दारी का महंगाई ने कस कस के दए हथौड़ा। अरे बदरा छाए दुख के सारे कारे कारे अंगना। जब ते आई है महंगाई द्वारे द्वारे अंगना। आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो एक बार मैं भी कहता हूँ तालियां बजा दो। सुनिएगा, अब एक मजदूर किसान की दशा देखिएगा कि बलुआ की माटी काढ़ते ताप रोक लगाई गई। अरे बलुआ की माटी काढ़ते ताप रोक लगाई गई। और वन विभाग के बजमारे ने करते ही काम भजाई गई। और अगली पंक्ति पर मैं आपका ध्यान चाहूंगा, सुनिएगा कि वन विभाग के भजमारे ने करते ही काम भजाई गई। तो कर कर रुदन सोई गई लाली। अरे कर कर रुदन सोई गई लाली। अरे लावे को समझावे, अरे कैसे मिले निजात सासु से हिल मिल के बतरावे। अरे दिन में दिखवाए दे जा महंगाई ने तारे सजना। दिन में दिखवाए दे जा महंगाई ने तारे सजना। और जिस गांव में मैं रहता था मैंने वो दशा देखी है और आज भी मैं समझता हूँ ऐसी दशाएं हैं। ये पंक्तियां सुने चाचा जी, सुनिएगा ये पंक्तियां। ये अम्मा परी खाट गुंगोड़ है, ब्रजभाषा का शुद्ध मैं यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ। ये अम्मा परी खाट गुंगोड़ है बाबा परे उसारे।
अरे अम्मा परी खाट तू गोड़े बाबा परे उसारे ओ खांसी खांसी के उधम काटो खांसी खांसी के उधम काटो नेकन गोड़ पसारे काटे खांसी के उधम काटो नेकन गोड़ पसारे। और फिर से एक बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, आपको हंसी भी आएगी और आप जो है मजबूर भी होंगे इसको सुनने के लिए और समझने के लिए। पंक्तियाँ सुनो, ये खास खास के ऊधम काटो ने कन गोड़ पसारे अरे खास खा तो डूब गए करजे में चाचा अरे डूब गए करजे में चाचा भैंस रह गई थल्ली अरे डूब गए करजे में चाचा भैंस रह गई थल्ली और कैसे करो गुजारा बनो अब नहीं पास दुअली डरवाई देगी बजमारी महंगाई गारे सजना जब ते आई है महंगाई द्वारे द्वारे सजना। और अंतिम पंक्तियां इसमें भी कहीं करता हो गई हो तो मैं रामेंद्र पाड़ी जी बैठे हुए हैं, दादा हमारे बहुत सुनते हैं और ये पंक्तियां पढ़ता हूँ अंतिम पंक्तियां, उसके बाद ज्यादा वो सुनाइए और कभी सुनिएगा। के प्रेम सुख के भयो छुहारो प्रेम सुख के भयो छुहारो प्रीति दाख दुख यारो प्रेम सुख के भयो छुहारो प्रीति दाख दुख यारी और मन के कोरन मगन मयूरा उतरत नाए खुमारी तो संकट में हम परे सा सुखे अरे पीटत दे दे तारी अरे संकट में हम परे सा सुखे और पीटत दे दे तारी अरे हाथ न हाथ धरे गलियन गलियन में मारे मारे सजना जब ते